तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट स्मार्टफोन फॉर टिकटॉकर्स एंड यूट्यूबर्स, और इसके साथ ही हम जानेंगे अगर आप एक यूट्यूबर हो तो कौन से स्मार्टफोन लेना चाहिए, और अगर आप टिकटॉक पर वीडियो शूट करते हैं तो आपको कौन से स्मार्टफोन लेना चाहिए। हमें मार्केट में कई तरह के स्मार्टफोन मिल जाते हैं, लेकिन क्या हम जो लेते वो स्मार्टफोन हमारे नीड्स के हिसाब से एक बेहतर स्मार्टफोन निकल कर आता है? जरूर हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ आपके लिए। दोस्तों अब तो आप हमारे वेबसाइट में जाकर नई नई चीजें सीख सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग से जुड़ी। तो यदि आप ऑनलाइन अर्निंग में रुचि रखते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। मैं वहाँ पे सारी जेन्युइन तरीके बताता हूँ कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ इतने नहीं, यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमारे वेबसाइट में जाकर कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके भी लिंक में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए आप जान लेते हो कौन सी स्मार्टफोन है जो एक यूट्यूबर और एक टिकटॉकर के लिए अच्छी स्मार्टफोन निकल कर आती है। इस लिस्ट में मैंने दो स्मार्टफोन पिक किए हैं, और ये दोनों ही स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छी डील निकल कर आ सकती है, यदि आप एक यूट्यूबर हो चाहे आप एक टिकटॉकर हो। इस वीडियो में बने रहो और आगे हम जानेंगे यदि आप टिकटॉकर हो तो आपको कौन से स्मार्टफोन लेना चाहिए, और यदि आप एक यूट्यूबर हो तो इन दोनों में से आपके लिए कौन से स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेस्ट निकल कर आता है। तो आइए अब जानते हैं आज के लिस्ट का सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में। तो आज के हमारे लिस्ट का सबसे पहला स्मार्टफोन आता है Xiaomi के तरफ से Redmi Note 9 Pro। तो आइए अब जान लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और Xiaomi इस डिस्प्ले को कहता है डॉट डिस्प्ले, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले के टॉप में एक छोटी सी कैमरा कटआउट देखने को मिलता है, जो इस स्मार्टफोन को एक काफी अट्रैक्टिव लुक देता है। प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको कॉलकॉम के तरफ से आने वाले स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज के बारे में। तो इसमें आपको 4GB का रैम और साथ ही में 64GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5020mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो आता है 18W फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स के साथ। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपको एक बड़ी बैटरी के साथ ही आपको एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, जिससे आप अपने बैटरी को कर सकते हैं काफी जल्दी चार्ज। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आता है 4 कैमरे के साथ, यानी कि ये आपको क्वाड कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 48MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। और अब बात करें फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको 10x डिजिटल जूम देखने को मिल जाता है, जिसका मदद से आप दूर के ऑब्जेक्ट्स की भी फोटो इजीली कैप्चर कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन के कैमरे से। इसके अलावा भी हमें स्मार्ट अल्ट्रा वाइड एंगल मोड, पोर्ट्रेट मोड, और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें आपको ब्लर एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाता है, जिसका मदद से आप अपने ब्लर लेवल को फोटो में घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात लगी स्मार्टफोन के कैमरे फीचर्स के बारे में मुझे। वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन के कैमरे से आप अल्ट्रा वाइड एंगल में भी वीडियो शूट कर पाएंगे, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको मैक्रो वीडियोग्राफी भी देखने को मिल जाता है। यदि आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं तो इसमें आप मैक्सिमम 30fps में रिकॉर्ड कर पाएंगे, और 720 में भी आप 30fps में शूट कर पाएंगे इस स्मार्टफोन के कैमरे से। और यदि आप फुल HD क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हो तो इस स्मार्टफोन के कैमरे से आप 30fps और 60fps दोनों में ही शूट कर पाएंगे। और अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करें तो HD और फुल HD दोनों में ही आप 30fps तक ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो आइए आप जानते हैं स्मार्टफोन के स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के बारे में। तो इस स्मार्टफोन से आप मैक्सिमम 960fps तक स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, जिसमें आप फुल HD क्वालिटी में अप टू 120fps में स्लो मोशन वीडियो शूट कर पाएंगे, और 720 फॉर्मेट में आप 960fps, 240fps और 120fps तीन फॉर्मेट में शूट कर पाएंगे स्लो मोशन वीडियो। तो आइए नेक्स्ट आप जानते हैं स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको काफी इंटरेस्टिंग सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो आता है इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरे के साथ, जिसमें आपको 16MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको पैनोरामा सेल्फी, AI पोर्ट्रेट मोड, AI ब्यूटी और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग मोड इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे फीचर्स में देखने को हमें मिलते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के बारे में। तो इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे से आप फुल HD और HD क्वालिटी दोनों में ही 30fps तक ही शूट कर पाएंगे, और इस स्मार्टफोन की सबसे अच्छी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको फ्रंट सेल्फी कैमरे
करने में भी स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगी, आपको कैसे लगे जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे से आप मैक्सिमम 120 fps तक की स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब बात करें इस स्मार्टफोन के कलर ऑप्शन के बारे में, तो ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल देखने को मिल जाता है, ऑरोरा ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट और इंटरस्टेलर ब्लैक। मुझे ऑरोरा ब्लू कलर काफी ज्यादा कूल लगती है, आपको कौन सी कलर ज्यादा कूल लगती है जरूर नीचे कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों अब तक हमने जाने इस स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में, तो आइए आप जान लेते हैं स्मार्टफोन टिकटॉक के लिए बेस्ट है या यूट्यूब के लिए। तो यदि आपका प्रेफरेंस है टिकटॉक वाला स्मार्टफोन लेना, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट निकल कर आता है, क्योंकि इसमें आपको अप टू 960 fps तक स्लो मोशन देखने को मिल जाता है और फ्रंट सेल्फी कैमरे से स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 120 fps तक। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है स्मार्टफोन की स्लो मोशन फीचर्स की अगर बात करें। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाता है जो आता है आपको 5020 mAh के साथ, और इसके साथ ही आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। और बात करें बैक कैमरा की, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिससे आप 4K फुल HD और 720p तीनों में ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यदि आप एक बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 ढूंढ रहे थे जिसमें आप टिकटॉक शूट कर पाए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट निकल कर आता है। दोस्तों यदि आपने हमारी ये वाली वीडियो चेक नहीं की है, तो इसे भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज के हमारे लिस्ट का दूसरा स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 6, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन निकल कर आ सकता है यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के लिए। तो आइए अब जान लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसके डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें आपको 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिससे आपको यूजर एक्सपीरियंस में काफी ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिल जाता है जब भी आप करते स्वाइप या स्क्रॉल स्क्रीन पर। प्रोसेसर की बात करें, तो इसमें आपको क्वालकॉम का नहीं बल्कि इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर निकल कर आता है। रैम और स्टोरेज की बात करें, तो इसमें आपको 4GB का रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करें, तो इसमें आपको 4300 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको रेडमी नोट 9 प्रो की तरह 18 वाट के नहीं बल्कि इसमें आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो आपकी बैटरी को कर देता है चार्ज 0 to 100% विद इन 60 मिनट में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर लगी स्मार्टफोन के बारे में। चलिए अब जानते हैं सुपर इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो है स्मार्टफोन की कैमरा। तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो आता है 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस के साथ। और इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में बात करें, तो इस स्मार्टफोन में आपको अल्ट्रा 64 मोड, सुपर नाइटस्केप मोड, अल्ट्रा वाइड एंगल मोड, टाइम लैप्स और अल्ट्रा मैक्रो मोड भी देखने को मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको बोके एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप फोटो की ब्लर लेवल को घटा बढ़ा सकते हैं जब भी आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोग्राफी करते हैं। वीडियो फीचर्स के बारे में बात करते, इस स्मार्टफोन में आपको UIS यानी कि अल्ट्रा इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। वीडियो फीचर्स के बारे में बात करते, इस स्मार्टफोन में आपको UIS वीडियो स्टेबलाइजेशन और UIS वीडियो मैक्स स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिससे आप एक स्टेडी फुटेज रिकॉर्ड कर पाएंगे। और बात करें स्मार्टफोन की वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो आप मैक्सिमम 4K में 30 fps तक शूट कर पाएंगे। इसके अलावा फुल HD और HD क्वालिटी में 30 fps और 60 fps दोनों में शूट कर पाएंगे। स्लो मोशन वीडियो की बात करते, स्मार्टफोन के कैमरे से आप मैक्सिमम 120 fps तक शूट कर पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में। तो फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और सेल्फी कैमरे के फीचर्स के बारे में बात करते, इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड, टाइमलैप्स मोड, AI ब्यूटी और बोके इफेक्ट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। और ये काफी अच्छी बात है कि आपको फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों में ही आपको बोके एडजस्टमेंट वाला फीचर्स देखने को मिल जाता है। और फ्रंट सेल्फी कैमरे के वीडियो फीचर्स के बारे में बात करें, तो आप फ्रंट सेल्फी कैमरे से स्लो मोशन वीडियो अप टू 120 fps तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा भी आप फ्रंट सेल्फी कैमरे से फुल HD क्वालिटी और HD क्वालिटी दोनों में ही 30 fps में रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगी। इस स्मार्टफोन के कलर ऑप्शंस के बारे में बात करें, तो ये स्मार्टफोन आपको 2 कलर ऑप्शंस में देखने को मिल जाता है, कॉमेट ब्लू और कॉमेट व्हाइट। और मुझे कॉमेट ब्लू कलर कुछ ज्यादा ही पसंद आता है, आपको कौन सा कलर पसंद आया स्मार्टफोन के जरूर नीचे कमेंट करके हमें बताएं। तो आइए अब जानते हैं क्या ये स्मार्टफोन यूट्यूबर के लिए
एक अच्छी स्मार्टफोन निकल कर आती है, तो ये स्मार्टफोन सच में एक अच्छी स्मार्टफोन निकल कर आती है यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको सबसे पहली बात तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिससे आप एक रिच डिटेलिंग वीडियो शूट कर पाएंगे, चाहे वो 4K हो या फुल HD क्वालिटी में हो। और दूसरी बात यह कि इसमें आपको अल्ट्रा इमेज स्टेबलाइजेशन मैक्स देखने को मिल जाता है वीडियो फीचर्स में, जिससे आप जब भी चलते फिरते वीडियो शूट करते हैं तो उस समय होता है कि आपके वीडियो में बहुत ही ज्यादा शेक होने के चलते आपका फुटेज एक अनस्टेबल फुटेज निकल कर आता है, और जिस वीडियो में ज्यादा शेक या फिर अनस्टेबल होता है वैसे वीडियोस को देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है Realme 6। यदि आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे से व्लॉग करना पसंद करते हैं तो भी एक अच्छी स्मार्टफोन निकल कर आती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको Realme के तरफ से सोलो ऐप देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने फुटेज को जल्दी ही एडिट कर पाएंगे। और चौथी बात यह कि इसमें आपको 30W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को काफी जल्दी चार्ज कर पाएंगे। और इसके अलावा ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छी निकल कर आती है एज कम्पेयर टू Redmi Note 9 Pro। तो आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे क्या मैं ये TikTok के लिए स्मार्टफोन यूज कर सकता हूँ। जरूर आप ये स्मार्टफोन भी आप TikTok के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यदि आपका कोई राय विचार या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं।